ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। लगातार ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। कार्रवाई के दौरान मारपीट का भी वीडियो वायरल हो रहा है। आज जो शंकर मंदिर पर घटना घटी है, एक बाइक चालक जिसके पीछे बाइक पर बैठे उसके पिताजी जो भिवंडी से मुमरा आए थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग चालू था। इसी दौरान बाइक रुका रहे थे, जिसके बाद API बरगे ने बाइक चलाने वाले युवक को लाठी से मारा, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का उम्र लगभग 20 साल के करीब बताया जा रहा है। लेकिन अब इस तरह के घटना से पूरे मुमरा में हंगामा मच गया है। अब ट्रैफिक पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है। लेकिन आज जो समर जमाल नामक युवक को लाठी से मारा गया और लहूलुहान हो गया, ये ट्रैफिक पुलिस को कितना शोभा देता है। अब इस पूरे मामले में मुमरा शहर के समाज सेवक, नगर सेवक शानू पठान, सैफ पठान, पीड़ित परिवारों के तरफ से और ट्रैफिक पुलिस पर क्या आरोप लगाया है, क्या कहा है, सुनिए। पूरा शहर के लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारी यही डिमांड है कि वो पुलिस ऑफिसर्स पे 307 के एक्ट, जो उनको जो ब्लीडिंग हो रही, जो हड्डी फ्रैक्चर हुई, जो उसके RTO ऑफिसर्स पे और उनके साथ जो उस वक्त अधिकारी मौजूद थे उन पे कार्रवाई हो और उनका सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो यहाँ पर जुल्म कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे। आपको रोकने का हक था, चालान बनाने का हक था, आपको मारने का हक सरकार ने कहीं नहीं दिया, संविधान ने कहीं नहीं दिया। आपको सबसे बड़ी बात ये कि आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कोई भागता है तो आप फोटो खींच के उसको फाइन मार सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। ये क्या तरीका लगा के रखा है, ये तो ऐसा लगा के रस्ते पे कानून का। लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कई घंटे लोग शिवाजी में जमा रहे, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले जिसकी गुहार लगा रहे हैं समर जमाल, जो भिवंडी से मुमरा में आया था। लेकिन अब वो शिवाजी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां हालात नाजुक बताया जा रहा है। इस दौरान लड़के के पिता का क्या कहना है, सुनिए। जो भी कानूनी कार्रवाई रहेगी, जो भी संविधान, मैं अपने साथ से उसका काम करूंगा। साहब मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मैं आप वीडियो में देखेंगे, मैं साहब को बोलूँ साहब मेरा बच्चा मर जाएगा, उसको एम्बुलेंस में बैठने दो। उसको पैंट के पीछे से ऐसे पकड़ा हुआ था, उसको एम्बुलेंस में नहीं बैठने दे, कुछ तक खून जा रहा था उसको, पूरी पब्लिक चिल्ला रही थी साहब वो मर जाएगा, साहब वो मर जाएगा। आपने सुना लोगों का गुस्सा किस तरह से है। अब लोगों को प्रशासन से इंसाफ चाहिए, जिसकी उम्मीद लगाए हुए हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।